तो क्या दोस्तों आप अपने पुराने कंप्यूटर को टीवी बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने सीआरटी मॉनिटर को एक टीवी की तरह यूज़ करना चाहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप पुराने कंप्यूटर को टीवी बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, पूरा डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें JKDish Info YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए DTH के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम टू JKDish Info YouTube चैनल। दोस्तों मेरा नाम है जयेश कुमार और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे घर पे पड़े पुराने कंप्यूटर मॉनिटर को किस तरह से हम टीवी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में यहाँ पर ऑडियो के लिए भी क्या आपको करना है सारा कुछ डिटेल में दोस्तों जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपके पास भी ऐसा कोई पुराना मॉनिटर पड़ा है तो आप भी दोस्तों इसे अपनी टीवी की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस मॉनिटर के साथ आपको यहाँ पर एक पावर केबल मिलता है और साथ में आपको यहाँ पर से RS232 वाला केबल मिलता है, ठीक है। तो हमें RS232 को सेट टॉप बॉक्स के अंदर डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी जो एक चीज़ है यानी कि एक कन्वर्टर है दोस्तों, आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आराम से दोस्तों आपको 200-300 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं RS232 HDMI कन्वर्टर है मेरे पास और इसी का यूज़ करके हम दोस्तों आराम से अपने जो मॉनिटर को टीवी बना सकते हैं। तो किस तरह से करना है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे RS232 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एक हाथ से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया, इसे कनेक्ट कर लिया है। सिंपल इसको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर दोस्तों हमें HDMI का एक केबल हमारा बन चुका है, जो कि हमारा RS232 था उसे कन्वर्ट कर लिया है हमने HDMI में। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही है कि अभी जितने भी MPG4 बॉक्स है जिसके अंदर HDMI का पोर्ट हमें मिल ही जाता है, तो यहाँ पर हम दोस्तों HDMI पोर्ट के अंदर इसे इंसर्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर से मैं इसे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड 63 बॉक्स यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर दोस्तों। और दोस्तों ये वाला अगर आप मॉनिटर यूज़ करेंगे टीवी देखने के लिए तो इसकी पिक्चर क्वालिटी वाकई में दोस्तों काफ़ी अच्छी मिलेंगी, जैसे हमारी जो पुरानी डिब्बा टीवी होते हैं CRT TV होते हैं उनके मुकाबले दोस्तों आपको यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है एकदम बेहतरीन दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, महसूस बिल्कुल करते होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर एकदम क्लियर जो इसकी पिक्चर क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर DDFDS पर मैंने स्कैन किया, 178 या 178 चैनल टोटल मिले मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ चैनल आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सैटेलाइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों आपको DDFDS पर ज़्यादा चैनल चाहिए तो आप अपनी DDFDS को थोड़ा सा डिश टीवी की तरफ सेट कीजिए तो आपकी जो चैनल है वो ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि जी वाले जो चैनल है डिश टीवी की तरफ से वो भी आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बिफोर यू कड़क चैनल, बिग मैजिक चैनल और यहाँ पर सारे जो चैनल है फ्री डिश वाले, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी दोस्तों अगर हम कंपेरिजन करें अगर नॉर्मल CRT TV और ये मॉनिटर के साथ में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो पिक्चर क्वालिटी है एकदम बेहतरीन मिलेंगी, एकदम बढ़िया दोस्तों मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप घर आपके घर पे कोई ऐसा पुराना मॉनिटर पड़ा हुआ है तो आप बिल्कुल दोस्तों इसे यूज़ कर सकते हैं टीवी की तरह। तो दोस्तों अब आप बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट सेटिंग की, तो अगर आपके जो मॉनिटर में डायरेक्ट यहाँ पर से अपना जो सेट टॉप बॉक्स शो नहीं होता है तो आप AV सेटिंग में जाकर, यानी कि सबसे पहले किसी और टीवी में आप AV सेटिंग में जाकर यहाँ पर से आपको सेटिंग कर लेना है। अगर आपके पास ऑटो सिलेक्ट है तो यहाँ पर मैं आपको प्रीफर करता हूँ 720:16MHz वाला जो सेटिंग है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके सेव कर लें, ताकि आपके मॉनिटर के अंदर आपका जो सेट टॉप बॉक्स है सही तरह से दिख जाए, ठीक है। तो ये सेटिंग दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है, अगर ये सेटिंग अगर आप नहीं करोगे तो काफ़ी सारे मॉनिटर के अंदर आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वीडियो का सेटिंग, और उसके साथ में दोस्तों आप यहाँ पर काफ़ी सारा और कुछ और सेटिंग है जो आप अपने हिसाब से अपने मॉनिटर के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एस्पेक्ट मोड है, क्योंकि साइज़ में भी छोटा बड़ा हो सकता है मॉनिटर, तो अपने हिसाब से इसे सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई वीडियो की, लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर ऑडियो कैसे आएगा, तो जी हाँ दोस्तों ऑडियो भी आप यहाँ पर से आराम से ले सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम होम थिएटर में जो ऑक्स वाली जो पिन यूज़ करते हैं वही पिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे सेट टॉप बॉक्स के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर से ऑडियो आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर रेड और जो येलो वाली हमें पिन आते हैं वो दोस्तों ऑडियो के होते हैं, जैसे आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर ऑडियो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑडियो दोस्तों हम यहाँ पर से ले लेंगे, और ये वाली जो ऑक्स केबल है
तो हम यहाँ पर किसी ऑक्स पोर्ट सपोर्ट करता हो, स्पीकर हो, चाहे आपके पास ब्लूटूथ हो जिसके अंदर ऑक्स सपोर्ट करता हो जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ब्लूटूथ स्पीकर को यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पर ऑक्स का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी दोस्तों आप यहाँ पर ऑक्स का आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि हो सकता है कि आपके पास स्पीकर हो सकते हैं और काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें दोस्तों जो ऑक्स को सपोर्ट करती है, तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया और यहाँ पर मैंने ऑक्स मोड को ऑन कर लिया, तो अब आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चैनल के ऑडियो जो है वो बिल्कुल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सुन सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर सभी जो ऑडियो है एकदम क्लियर तरह से आपको यहाँ पर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने पुराने कंप्यूटर को एक टीवी की तरह यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा।